नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? आपका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज के श्लोक हम पढ़ने वाले हैं कि यह और ए के प्रयोग के नियम। आपने थंबनेल में वैसे देख लिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम यह और ए के प्रयोग के नियम पढ़ने वाले हैं, जो कि हम पहचानेंगे लिए और लिए के अंदर क्या डिफरेंस होता है, दिए और दिए में क्या डिफरेंस होता है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो पहला हमारा है लिए। लिए तो लिए का हम प्रयोग कब करते हैं? लेने देने की क्रिया में प्रयोग किया जाता है लिए। ए का प्रयोग हम कब करेंगे? जब ये तो होगा हमारा ली ये क्या होगा ली ये, और ये होगा ली ए। तो ली ये का मतलब होता है लेने देने की क्रिया में प्रयोग किया जाता है जो। ठीक है, जैसे कि मैंने उसने उससे दो सेब लिए, मैंने उससे दो सेब लिए, मैंने उसे दो आम लिए, मैंने उसे दो सेब लिए और मैंने उसे दो आम लिए। तो लेने देने के लिए प्रयोग करते हैं लिए। अब आता है ली ए का। ये तो ली ये का हो गया, अब लिए का करेंगे। जब यह कारक का चिन्ह हो, जब यह कारक का चिन्ह हो, मतलब जैसे जैसे अंग्रेजी में फोर, जब यह कारक का चिन्ह हो, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं फोर, फोर मतलब लिए, लिए का प्रयोग है, तब लिए का प्रयोग करते हैं। उसके लिए, तुम्हारे लिए, किसके लिए? तुम्हारे लिए। देखो, जब यह कारक का चिन्ह हो, जैसे अंग्रेजी में फोर लिए, तब लिए का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए, तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए सेब लाया, मैं तुम्हारे लिए सेब लाया। ठीक है, तो उसके बाद आ गए ये का प्रयोग। अभी हमने क्या पढ़ा था? लिए ली सॉरी, तो अब हम पढ़ेंगे ये का प्रयोग। अभी हमने क्या पढ़ा था? ली ए का प्रयोग और ली ये का प्रयोग। तो देखो, जब मैंने आपको ली ए बताया था, जो ली ए बताया था ना, लिए, देखो ये वाला लिए, तो अब इसका प्रयोग हम कब करते हैं? बता ही दिया मैंने। देखो, जब हम बोलते हैं इसलिए, ये सब बोलते हैं ना, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे इस, तो बनेगा इसलिए, हम इसलिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम किसी के लिए जो कार्य करते हैं, तब इस शब्द का यूज करते हैं, जब तब जाकर हम इस लिए का प्रयोग करते हैं। और जो हम मैंने ली ए बताया था, वो लेने देने के लिए यूज कर जाता है, और ये लिए किसी के लिए यूज करते हैं। फोर, इंग्लिश में फोर बोलते हैं किसी के लिए जो कार्य करते हैं, ये वो लिए होता है। ठीक है, तो यही बात है, हम क्या पढ़ रहे हैं, यह और ए में फर्क। ठीक है, ली के साथ यह लगा देंगे, मतलब ए लगा दो कोई बात नहीं, पर यह तो है ना। जब यह और ए का प्रयोग कब कब करें? ठीक है, जैसे कि हम ली का प्रयोग है, जो मैंने ली लिया था, इसके साथ हम यह का प्रयोग कब करें और यह का प्रयोग कब करें, तो ये नियम बताए जा रहे हैं इसमें। ठीक है, फिर आता है ये का प्रयोग। क्या है ये का प्रयोग? तो ये का प्रयोग है, यह से बना है, बस ऊपर मात्रा लग चुकी है। तो ये का प्रयोग तब करते हैं, शब्द के एक वचन में या है तो उसके बहुवचन में ये हो जाता है। जैसे कि नया का नए बन जाता है, गया गए बन जाता है। जैसे कि वह दिल्ली गया, तो गया एक वचन में हुआ, ये आ यूज किया गया। अब इसकी जगह हम ये यूज तो नहीं कर सकते ना, एक वचन में गए नहीं कर सकते ना। अब गया जहां पर हमने लगाया, उसके स्थान पर हम ये गए कैसे यूज कर देंगे? हम गया ही यूज करेंगे। जब गए की जरूरत पड़ती है तो गया यूज करते हैं, जब गए की जरूरत पड़ती है ना तब गए यूज करते हैं। गया, देखो हम बोलेंगे वह दिल्ली गया, अब फिर हम गए बोला है, तो गए बोलेंगे वे सब दिल्ली गए। नया, वे सब दिल्ली गए, बहुवचन में ये हो गया नया। नया ये कितना नया कपड़ा है, और नए कितने सारे नए कपड़े हैं, तो बहुवचन में नए हो जाएगा। ए का प्रयोग, यदि शब्द के एक वचन में अंत में ऐसे है तो बहुवचन में ए प्रयोग होगा। अगर यदि एक वचन में ए होगा तो बहुवचन में क्या होगा? ए होगा। कुआ, कुआ में कुए बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कुआ कुए, कुआ एक हो जाता है, कुआ ज्यादा हो जाता है, सॉरी कुआ एक हो जाता है और कुए ज्यादा कुएं में जाते हैं। तो ए का प्रयोग हम तब करते हैं। अब इसके स्थान पर हम ये कुए लिख सकते थे, क्या उ यहाँ क्या हम ये कुएं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, यही लिखेंगे हम। तो इसका भी अलग अलग प्रयोग होते हैं ना ऐसे, क्योंकि हम जहां पर जिस चीज का यूज करते हैं तो वहीं पर करना होता है।
अब इसकी जगह पर मैं ये नहीं लगा सकती थी, हमें ए ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ए ही इसका सही रहेगा। ए का प्रयोग अनुरोध में, जहां किसी का अनुरोध या निर्देश के लिए वहां शब्द रूप का अंत ए से होता है। देखो जहां किसी का अनुरोध और निर्देश के लिए वहां रूप का अंत क्या होता है, ए होता है। जैसे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब किसी चीज को दिखाए दिखाना दिखाए दिखाए चाहिए, ऐसे जो शब्द आते हैं उन सब में हमारे क्या लगते हैं, ए लगते हैं। हम बोलते हैं चाहिए दिखाइए, तो ये शब्द हमारे होते हैं। हम एक तो अनुरोध करते हैं कि हमें ये चीज दिखाइए, तो हमें ये चीज चाहिए, उस चीज के लिए हम अनुरोध करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, आप मुझे टीवी दिखाइए, तब जाकर हम, तभी भी हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा, तो अब आता है जी का प्रयोग। तो ये का प्रयोग कब करते हैं, जी भी ऐसे ही है, यह मात्रा नहीं देखनी, मात्रा नहीं देखनी है, यह जो देखना है हमें सवर देखना है, इसके अंदर यह ऐसे ही है ये। तो ये का प्रयोग होता है यदि शब्द के एक वचन में, एक वचन सभी को पता है एक वचन क्या होता है, तो एक वचन के अंत में यह आ जाता है तो तो उसके स्त्रीलिंग में के रूप में भी यही होगा। फॉर एग्जाम्पल गया गया, अब देखो देखो गया क्या है, एक एक वचन है कि वह दिल्ली गया, अब वह दिल्ली गया एक वचन है, अगर इसका बहुवचन बनाना हो तो हम लिख देंगे गए, उसका बहुवचन बन जाएगा। पर गया का हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग के रूप में, अगर इसने बोला कि एक वचन के अंत में अगर यह हो, एक वचन हमारा गया है, इसके अंत में क्या है, यह है, यह आवृत्ति या है इसके अंदर, पर कहा है कि सवर नहीं देखना है, व्यंजन देखना है, यह है ना, बस तो यह है, तो उसके स्त्रीलिंग के रूप में भी यह लिखा जाएगा। जब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, स्त्रीलिंग के बनाएंगे, तो उसमें भी यह लिखा जाएगा, ई नहीं लिखा जाएगा। क्या है कहा इसने, यदि शब्द के एक वचन के अंत में यह है तो स्त्रीलिंग के रूप में भी क्या लिखा जाएगा, यह लिखा जाएगा। आया तो आई, लाया तो लाई, ऐसे लिखा जाएगा। ई का प्रयोग, तो ई का प्रयोग क्रिया में सिर्फ होना शब्द में होता है। इसने कहा है कि जो ई का प्रयोग होता है हमारी क्रिया, वो पता है काम का करना या होना क्रिया कहलाता है, तो होना शब्द जो है हमारा, होना शब्द इसके रूप में ही क्रिया के लास्ट में ई लगता है। जैसे कि हुआ, हुआ है, होना मतलब हुआ ही होता है ना, यह काम ने कर दिया, सॉरी यह काम हमसे नहीं हो पाया, तो होना हुआ एक ही बात है। तो हुआ जो है, अगर इसने कहा है कि ई का प्रयोग क्रिया में सिर्फ होना शब्द के रूप में लगता है, मतलब होना मतलब हुआ ही होगा, तो हुआ शब्द में ही हमारा लगता है ई का प्रयोग, तो हुआ का क्या हुआ, हुई हो गया। ई का प्रयोग संज्ञा में होता है, अगर हम ई का प्रयोग संज्ञा में करते हैं, ई का प्रयोग अगर क्रिया में करेंगे तो सिर्फ होना शब्द में होगा, पर अगर ई का प्रयोग संज्ञा में करते हैं तो कढ़ाई बुनाई सिलाई ऐसे होता है। ठीक है, कि कढ़ाई कढ़ाई कढ़ा, अब इसमें हम कढ़ाई बुनाई सिलाई, अब आप कहोगे इसमें भी क्या है, इसमें भी ई का प्रयोग किया है, तो उसमें डिफरेंस क्या है। देखो हुआ में हुआ क्या है, एक क्रिया है, पर जो कढ़ाई बुनाई सिलाई एक क्रिया नहीं, ये हमारी संज्ञा है, तो संज्ञा में भी हम यूज करते हैं ई का प्रयोग। कैसे, कढ़ाई बुनाई सिलाई ये हमारा इसमें होता है ई का प्रयोग होता है। तो आई आप समझ गया होगा कि यह और ए का प्रयोग कैसे कब कब यूज करते हैं। तो यह का प्रयोग और ए का प्रयोग हमने आपको बता दिए हैं बहुत सारे उदाहरण लेके, और मैंने आपको बहुत सारे नियम भी बताए हैं कि हम इनका यूज कब कब करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर देना। मेरी वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।